ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम गणपते नमः ओम ब्रह्म रामाय नमः ओम माते श्री नमो नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज का राशिफल 30 मई 2023 मंगलवार और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। आज का चंद्र नक्षत्र हस्ता और पूर्ण रात्र तक और आगे ये अगला नक्षत्र में परिवर्तन हो जाएंगे। सूर्योदय 5:24 AM, सूर्यास्त 7:13 PM और आज का चंद्र राशि कन्या और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से लेके 12:46 PM तक, राहु काल 3:45 PM से 5:29 PM तक, दिशा शूल उत्तर दिशा। आज का राशि बल मेष कर्क कन्या वृश्चिक धनु मीन बल रहेगा। नक्षत्र बल अश्विनी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुष्या मघा उत्तरा फाल्गुनी हस्ता चित्रा स्वाति अनुराधा मूल उत्तराषाढ़ा श्रवणा धनिष्ठा शतभिषा उत्तर भाद्रपद। इन नक्षत्रों में बल रहेगा। टारगेट कन्या राशि मेष का छठा, सो छठा आरोग्यता बेस्ट एनर्जी 70%, आर्थिक स्थिति सूर्य ठीक ठाक। बात करेंगे वृष का, वृष के लिए चतुर्थ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी, कार्मिक एनर्जी यहाँ 36, आर्थिक स्थिति औसतन। वृष के बाद मिथुन, मिथुन के लिए यहाँ उतना ज्यादा ऊर्जा आज भी नहीं मिल रहा है, 36 तक ले लीजिए, 36 नंबर तक ले लीजिए और आर्थिक स्थिति एकदम नहीं। कर्क का बात करते हैं, तृतीय चंद्रमा सॉलिड बेटर बेस्ट गुड 80 तक जाएगा कार्मिक एनर्जी, आर्थिक स्थिति अचानक। सिंह का बात करते हैं, द्वितीय चंद्रमा नॉट गुड 21 से 26% का कार्मिक ऊर्जा और यहाँ आपके लिए आर्थिक स्थिति अचानक अष्टम में। कन्या लग्न के ऊपर चंद्रमा लेकिन लग्न सिस्टम में एनर्जी टॉप रहेगा लेकिन इंटरनल एनर्जी में कमी, आर्थिक स्थिति अचानक। तुला का बात करते हैं, तो तुला के लिए ये द्वादश चंद्रमा नॉट गुड, थोड़ा सा खर्चा, थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा डिप्रेशन। वृश्चिक एकादश चंद्रमा सॉलिड बेटर बेस्ट गुड कहना ही नहीं है। धनु दशम चंद्रमा और बढ़िया, कर्म में सफलता गो गो। मकर नवम चंद्रमा थोड़ा सा वीकनेस। कुंभ अष्टम चंद्रमा एकदम नॉट गुड। मीन, ये मीन के लिए सप्तम चंद्रमा, एंजॉय मजा मस्ती बहुत बढ़िया। टारगेट नक्षत्र चंद्रमा का हस्ता। सबसे पहले जो लोग केतु के अश्विनी नक्षत्र मघा अश्विनी नक्षत्र मेष राशि, मघा नक्षत्र सिंह राशि, मूला नक्षत्र धनु राशि, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तरप है, बहुत बढ़िया है। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी मेष पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु आपके लिए जन्म संपद विपद तरप है नॉट गुड। सूर्य के 3 नक्षत्र में जो लोग जन्म है कृतिका मेष वृष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके लिए संपद तरप है बहुत बढ़िया। चंद्रमा में 3 नक्षत्र में जो लोग जन्म है रोहिणी वृष हस्ता कन्या श्रवणा मकरू आपके लिए 70% गुड 30% नॉट गुड। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ अति मित्र जोन पे आ रहा है सॉलिड। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ आपके लिए मित्र जोन पे है बढ़िया है। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु मिथुन कर्क विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन। तो गुरु के 3 नक्षत्र से गिनती करते हैं हस्ता तक, सो जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्धतारा पे है नॉट गुड। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन, शनि के नक्षत्र जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा पे है गुड बेटर बेस्ट सॉलिड, कोई चिंता का बात नहीं है। बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा पे है 50% गुड बाकी नॉट गुड। ये था राशिफल नक्षत्रफल और राशिबल नक्षत्रबल। सो दिस इज बेसिक, केवल ऊर्जा आपको आज कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव किस राशि के लिए
कितना पॉजिटिव है, किस नक्षत्र के लिए कितना पॉजिटिव है। धन्यवाद।